आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ससुराल गेंदा क्या कर रही है शिका? वो मैं सेफ्टी पिन ढूंढ रही थी। सेफ्टी पिन अलमारी में? राधा बुआ, मेरा पल्लू ठीक कर दो, देखो कब से संभाल रही हूँ, संभाल ही नहीं रहा। ये साड़ी क्यों पहन रखी है? कॉलेज ही जाना है क्या? क्या राधा बुआ, आप भी ना सब भूल जाती हैं। मैंने बताया था ना, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे कॉलेज में फंक्शन है आज। अरे हाँ, तूने बताया था। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही हूँ? हाँ बाबा, बहुत अच्छी लग रही है, कोई कमी नहीं है। हाँ, तेरे कान बड़े खाली खाली से लग रहे हैं, कुछ पहन ले। है ना, कान खाली बहुत गंदे लग रहे हैं ना। हाँ। इसके साथ ना आपके वो वाले इयररिंग परफेक्टली मैच करेंगे जो ईशान भाई आपके लिए लाए थे। नहीं नहीं, वो इयररिंग इस साड़ी के साथ नहीं मैच करेंगे। पर क्यों, ट्राई तो करने दो। नहीं करेंगे, मैंने बोला ना। अरे एक बार पहन के देखते हो। इशिका, माँ तुम्हें कब से नाश्ते के लिए ढूंढ रही है, चलो चलो मेरे साथ। देखो ना भाभी, अभी तक इस साड़ी के साथ के मैचिंग इयररिंग्स नहीं मिले, मैं कॉलेज कैसे जाऊँ? राधा बुआ प्लीज, मुझे एक बार ट्राई करने दो, एक बार, मैं आपको वापस दे दूंगी। अरे वो इयररिंग्स राधा बुआ को किसने गिफ्ट दिए हैं? ईशान ने। और ईशान की दी हुई कोई भी चीज राधा बुआ कभी किसी को नहीं देती। पर क्यों, मैं उसे एक बार तो पहन ही सकती हूँ ना, मैं वापस दे दूंगी। और वैसे भी राधा बुआ उसे कभी नहीं पहनेंगी। क्या कर रही हो तुम इशिका? तुम जानती हो ना, ईशान की दी हुई हर चीज राधा बुआ बहुत ही संजोग कर रखती हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करती। पर क्यों जिद कर रही हो तुम? पर भाभी मैं कॉलेज। अरे तुम्हें याद है मेरे पास एक पर्ल सेट है, वो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। अरे सचमुच बहुत सुंदर लगेगा, चलो तुम ट्राई कर लो, आ जाओ। चलो चलो मैं तुम्हें देती हूँ, आ जाओ। स्कूटर तो नहीं चला रहा है ना? नहीं नहीं, बताइए। हाँ सुन, मैंने जो जो बोला था वो सब कुछ ले लिया? हाँ बड़ी माँ, मैंने सब कुछ ले लिया, अगरबत्ती, बेसन, तिल और आलू। आलू भूल गए थे ना? नहीं मुझे याद है, 5 किलो आलू है ना? हाँ हाँ 5 किलो। अच्छा सुन, कहाँ तक पहुँचा है, मतलब कितना वक्त लगेगा आने में? अब मैं बस निकल चुका हूँ, 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। हाँ हाँ जल्दी आना, पर संभल के आना। हाँ और सुन, वो हेलमेट पहनना नहीं भूलना। हाँ हाँ बड़ी माँ, नहीं भूलूंगा। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? अरे नहीं नहीं, बस मामूली सी चोट है। कोई चोट मामूली सी नहीं होती। देखो सामने पॉलीक्लिनिक है, वहां चलकर एक एक्सरे करवा लेते हैं।
अरे आप देखिए खामखा परेशान हो रहे हैं, एक्सरे वैक्सरे की कोई जरूरत नहीं, घर जाके दवाई लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। तुम घर जाओगे कैसे? क्योंकि मैं तुम्हें ये स्कूटर तो नहीं चलाने दूंगा, चलो मेरे साथ चलो। देखिए मेरा घर बस यही पास ही में, दो ब्लॉक छोड़ के। देखो दो ब्लॉक हो या चार ब्लॉक, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा प्लीज। अब देखिए मैं अपने स्कूटर को यहाँ नहीं छोड़ सकता अकेले। मैं हूं ना, मैं ले आऊंगा, आप लोग चलिए। तुम जानते हो उसे? मैं घनश्याम, आपका पड़ोसी। ओ हाँ हाँ घनश्याम जी। गुड, तो ये स्कूटर ड्रॉप कर लेगा। तो मेरे साथ चलो, मैं पहले तुम्हारा फर्स्ट एड करवाऊंगा, उसके बाद मुझे खुद तुम्हारे घर वालों से मिलकर माफी मांगनी है, क्योंकि तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत परेशान हो जाएंगे। घनश्याम जी स्कूटर जरा बराबर। हाँ घनश्याम जी, जो भी है बिल मेरे घर भेज देना। देखा, मेरा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला, तुम्हारा और सिद्ध का कोई मेल नहीं होगा। अच्छा हुआ तुम दोनों का ना ब्रेकअप हो गया। प्लीज यार तू अपनी एस्ट्रोलॉजी बंद कर। व्हाट एस्ट्रोलॉजी सुली? और अगर एस्ट्रोलॉजी भी है तो उसमें क्या गलत है? इट्स जस्ट मैथ्स यार, जिससे हम हमारे आज और आने वाले कर के बारे में जान सकते हैं। जैसे इस वक्त हम यहाँ क्यों बैठे हैं, इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई वजह है। ओ गॉड प्लीज सुहाना, ये जैसे उदास मत रहो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि सिद्ध मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब एक गंदा सपना है और अभी सिद्ध आएगा और कहेगा कि हे बेब, देखा हमारे इस कैफे में आने की वजह, जिद का चेहरा तो सामने आ गया। I can't believe this. Flirt, cheater, और तुम सुहाना, तुम्हें अब भी यकीन नहीं आता? ये प्यार व्यार ना सब सब बकवास है। हे सुहाना भूल जाओ उसे, जो लड़का दो दिन में तुम्हारे एक साल का प्यार भूल गया उसके लिए प्लीज अपसेट मत रहो। और वैसे भी उस सिद्ध के दिल में ना कोई फीलिंग्स और कोई इमोशंस नहीं है, और ऐसे लड़के के साथ तुम कभी खुश नहीं रह सकती। हाँ सुहाना, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हें सिद्ध से लाख गुना ज्यादा अच्छे लड़के मिलेंगे, यूं चुटकियों में। पर सिट तो नहीं मिलेगा ना। ससुराल गेंदा फूल स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।